understand what I am saying. Thank you. ओके मैम, Now, we are going to start. First of all, the basic things are 40 minutes are given to you. Minimum 250 words are the limit. In task one, you are going to have 30% weightage, whereas 70% weightage is for task two. दैट मीन्स आपके टास्क वन और टास्क टू दोनों की जो एवरेज है दैट इज गोइंग टू बी योर एवरेज ऑफ राइटिंग स्कोर. यू आर गोइंग टू सी फोर क्राइटेरियाज इन विच योर एग्जामिनर इज गोइंग टू जज यू एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. नाउ देयर आर फोर स्टेप्स दैट आर वेरी असेंशियल टू फॉलो so that you will be able to get higher band scores, that is 8 or even 8.5 or 9. The first step is to analyze the question. It is very important to read the question twice or thrice because sometimes it happens that we read the question but we are not able to understand the proper kind of a questions which are expected from our sides, and we are not able to understand the expectations of the answer. That means हमें नहीं पता चलता है कि हमसे पूछा क्या गया है. कई बार जो questions हैं वो इतने smartly जो हैं वो design किए जाते हैं कि the candidates get confused and get the wrong kind of impression कि इसमें ये पूछा गया है. लेकिन जब आप उसी question को दो बार पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, you will have to change your point of view. आपको लगता है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई थी एक्चुअली आपने जो समझा था वो गलत था. सो इट इज़ एडवाइजेबल बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर और बिफोर स्टार्टिंग योर इंट्रोडक्शन और प्लानिंग द एसे प्लीज़ रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस. सेकेंड इज डिसाइड योर पोजिशन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. It is very important to decide your position. That means, are you on the side of agreement or you are on the side of disagreement? And what you are deciding, that means, are you partially agree? Are you, just a second, please. Hello. Yes. Am I audible, everyone? Yes. Okay. Please unmute. Please mute yourselves. Don't unmute in between. Thank you. First of all, we were on the topic of second step. देखिए decide कीजिए अपनी position. That are you on the side of agreement? Are you on the side of disagreement? Or you are partially agree with the statement? तीसरी चीज है जनरेट योर आइडियाज. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ द आइडियाज सो दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग आइडियाज ओनली टू योर बॉडी पैराग्राफ्स. व्हेन यू चेंज योर आइडियाज इनटू बॉडी पैराग्राफ्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द प्रॉपर काइंड ऑफ डिटेलिंग. द फोर्थ स्टेप इज डेवलप योर आइडियाज लॉजिकली. Never describe your ideas in a vague manner. That means पता ही नहीं है कि आप क्या describe करते हैं. जो आपके दिमाग में आ गया आप फटाफट से लिखना शुरू कर देते हैं. ऐसा हम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, हम पहले जो strong point है उसको बताएंगे, उसके बाद उसकी एक तरीके से proper detailing देंगे तीन और चार lines में, ताकि जो चीज़ जो point आपने दिया है examiner को ये पढ़ के पता चले कि yes you are getting it very seriously और आपके पास इतनी skills हैं कि आप अपनी writing के through ये चीज़ explain कर पाते हैं. In the last, you are going to exemplify. That means you are going to give the example that is more justification of your idea. Task achievement का मतलब है हमारी structures पूरी होंगी. That means दोनों structures हैं.
पहली है आउटर स्ट्रक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन. इनर स्ट्रक्चर में आती है इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर, जिसमें हम लिखते हैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट, रीफ्रेजिंग क्वेश्चन एंड इन द लास्ट थीसिस स्टेटमेंट. सेकेंड इनर स्ट्रक्चर में आती है बॉडी पैराग्राफ की स्ट्रक्चर, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट दैट वी हैव बीन ऑलरेडी चूजन. सेकेंड इज डिटेलिंग ऑफ द पॉइंट एंड इन द थर्ड लास्ट पॉइंट ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ इज द एग्जाम्पल. इफ यू आर एबल टू गिव द रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ द आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर, देन यू विल गेट द हायर बैंड स्कोर्स इन टास्क अचीवमेंट. कोहिरेंस एंड कोहिजन मीन्स दैट देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरफियरेंस और डिसरप्टिव और डिसरप्टिविटी ऑफ एनी काइंड ऑफ द लिंक. एक लाइन में, एक कनेक्शन में आपके जो आइडियाज हैं वो होने चाहिए, कहीं पर भी आपके जो आइडियाज हैं वो अपोज नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ. लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स दैट यू शुड यूज द करेक्ट एंड रेलिवेंट काइंड ऑफ अ वोकैबुलरी. उसमें आप ऐसा नहीं है कि गूगल करेंगे और लिख देंगे. ट्राई टू चूज द वर्ड्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक दैट इज गिवन टू यू इन द एग्जामिनेशन. उस टॉपिक के साथ रिलेटेड आपकी जो वोकैबुलरी है वो होनी चाहिए. And in the last is grammatical range and accuracy. In grammar, there are a number of things that comes under grammar. Articles ho gaya hai, aapke adjectives ho gaye, tenses ho gaye, right? Adverbs ho gaye. There are a number of things. Hum sabhi cheezon ko correct manner se use karenge. Ek aur cheez that is very important is the types of sentences. Hum simple sentence bhi use karenge, compound bhi karenge and complex bhi karenge. Hum already is cheez ko do baar discuss kar chuke hain, right? To how to write down simple sentence, compound and complex and what is the difference between these three types. Now, this is the basic thing that we have already done. अब आ जाइए इंट्रोडक्शन पे, डिटेलिंग पे. स्ट्रक्चर क्या है? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक अप्रूव्ड स्ट्रक्चर है बाय आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल, जो कि आपका आईएलटीएस एग्जाम लेते हैं, जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से आया हुआ ये बेसिक स्ट्रक्चर है. एक चीज और ध्यान में, स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर देख के घबरा जाते हैं कि हमसे तो इतनी एग्जाम्पल्स दी ही नहीं जाती, हमसे तो इतनी अच्छी इलेबोरेशन ही हो नहीं होती. अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी एग्जाम्पल रह जाती है, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो एक्सप्लेनेशन आधी रह जाती है. सो देखिए, घबराइए नहीं. दिस इज दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विद द कैंडिडेट्स. ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ 9-band एसे स्ट्रक्चर, ठीक है? 9 bands आपको चाहिए तो ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है. 6 रिक्वायरमेंट है, 6.5 है, 7 है, 7.5 है, उसमें घबराने की बात है ही नहीं. यस, अगर आपके रिक्वायरमेंट 8 अबव है तो यू हैव टू फॉलो इट बाय द टाइम 90% or 95%, ठीक है? अगर 9 में से 9 बैंड्स ही चाहिए देन फॉलो दैट एज इट इज. ओके, सबसे पहले बैकग्राउंड स्टेटमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन. Next is rephrasing the question. That means we are going to write down the basic line but with different words, but the meaning should be the same. In the last, there is a thesis statement that is an indicator for the examiner that which is the position of the candidate. Are you on the side of agreement? Are you on the side of disagreement? Are you going to describe advantages of something, disadvantages, solutions, causes, effects? आप क्या बताने वाले हैं? In your body paragraphs, ये line जो है वो उसको explain करती है. When we talk about body paragraphs, उसमें हम पहले अपना point देंगे, then उसकी detailing देंगे, and in the last we are going to give the example. वही चीज second body paragraph में भी हम complete करेंगे. अभी देखिए, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स का उभर कर हमारे पास सामने आता है तकरीबन हर बार. वो ये है कि दे आर कन्फ्यूज्ड कि बॉडी पैराग्राफ्स कितने बनाने चाहिए, राइट? अभी कईयों को
ये कहा जाता है कि मतलब कुछ जो ट्रेनर्स हैं वो ये कहते हैं कि बॉडी पैराग्राफ्स 3 बनाने चाहिए, कई जो हैं वो कहते हैं 2 बनाने चाहिए, कई ट्रेनर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि बड़े बड़े 2 बॉडी पैराग्राफ्स बना दो, तो द कैंडिडेट्स गेट कन्फ्यूज. देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल, उन्होंने आपके 2 बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं उनको अप्रूव किया है, सबसे पहली बात. दूसरी चीज, जब आपके पास 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं तो आप 2 क्वेश्चंस, जितने भी आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चंस हैं उनको, एक क्वेश्चन को फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे और एक क्वेश्चन को सेकंड बॉडी पैराग्राफ में. लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में पूछे ही 3 क्वेश्चंस गए हैं तो डेफिनेटली 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे. दैट मीन्स जहां पर हम अवॉइड नहीं कर सकते तीन तीन पैराग्राफ बनाने, हम सिर्फ वहीं पर 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाएंगे, अदरवाइज वी विल ट्राई टू कंप्लीट द टास्क इन 2 बॉडी पैराग्राफ्स. नाउ कंक्लूजन का मतलब है ओनली द जिस्ट व्हाट यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जो आप पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ्स में, वो क्या है. सिर्फ इस चीज का एक इंडिकेशन जो है वो आप देते हैं थ्रू द कंक्लूजन. नाउ दिस इज द टास्क ऑफ टुडे. देखिए टास्क क्या कहता है. आपका टास्क है, मैनी स्टूडेंट्स डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं इस चीज की और क्या डिसएडवांटेजेस. नाउ सबसे पहली बात जो हम करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है एडवांटेजेस, हम एक तो एडवांटेजेस बतानी है, एक हमें डिसएडवांटेजेस बतानी है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये रेड कलर में जो दी है, दैट इज एंड. एंड का मतलब है कि आप दोनों बताएंगे. अगर एंड की जगह पे और होता तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली या तो एडवांटेजेस या ओनली डिसएडवांटेजेस. ये जो कनेक्टर्स है ना, जो दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ क्वेश्चन. यही बताते हैं कि एक्चुअली जो आप बताने वाले हैं, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो दो चीजें होंगी, एक चीज होगी या तीन चीजें होंगी. नाउ हमारे पास जो वर्ड है दैट इज एंड, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक बॉडी पैराग्राफ्स टू. दो बॉडी पैराग्राफ्स हम बनाने वाले हैं. द फर्स्ट वन विल बी ऑन एडवांटेजेस एंड द सेकेंड बॉडी पैराग्राफ विल बी ऑन डिसएडवांटेज. ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसके बाद वट वी आर गोइंग टू मेक इज टू लिस्ट. पहली बनाएंगे एडवांटेजेस की, दूसरी लिस्ट बनाएंगे डिसएडवांटेजेस की. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेज कि उन चीजों के पॉइंट्स कैसे बनेंगे अभी. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू हैव एन ओपन डिस्कशन ऑन द पॉइंट्स. अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी, जस्ट अ सेकेंड, सिर्फ तभी जब आपको बोलना है. और एक टाइम पे सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वही बात करेंगे, 2 या 3 कैंडिडेट्स नहीं बोलेंगे. ओके okay? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट विल बी क्या एडवांटेजेस हैं. स्टडी नहीं जानती है अब्रॉड वो तो लिखा है, एडवांटेजेस क्या है. मैम अर्न मनी. फॉर फॉर हायर स्टडी, वो तो फॉर हायर ऑलरेडी है. स्टडी एडवांटेज क्या है, हो जाएगी मैम. वेल कैन अर्न मनी मोर, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज, दिस इज द पॉइंट. एक एक करके बोलेंगे भाई आप. मैम म्यूट कर फेस योर लीजिए, लाइफ चैलेंजेस. जस्ट अ सेकंड, म्यूट योरसेल्व्स एवरीवन, म्यूट योरसेल्व्स. पहले वेट करेंगे हम कि कोई और तो नहीं बोल रहा, उसके बाद ही हम बोलेंगे. म्यूट कीजिए अपने आप को जल्दी से. ओके okay. सबसे पहला पॉइंट है बेटर अपॉर्चुनिटीज. हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर.
बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिनट, जिसने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला सिर्फ वही अनम्यूट रहेंगे, बाकी सब म्यूट हो जाइए, बाकी सब म्यूट हो जाइए जी। राजवीर कौर बोलिए जी, आप बता रहे थे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे होगा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैम? क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी जो स्टूडेंट है अगर फॉरेन में स्टडी करता है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ से बहुत अलग है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और जो वे ऑफ लिविंग है वो भी इस टाइप बहुत चेंजेस है वहाँ पे, तो वो बेटर है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं। ओके ठीक है, थर्ड पॉइंट मैम सेल्फ फ्यूचर, सेल्फ डिपेंडेंस, एक मिनट सेल्फ डिपेंडेंस, गुड पॉइंट, अगला पॉइंट बोलिए मैम। इकोनॉमिक स्ट्रांग हो जाएगी, एक मिनट, इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हो जाएगी, किसका पॉइंट है ये? यस सिमरजीत, हाउ इकोनॉमी विल स्ट्रांग, कैन यू एक्सप्लेन इट प्लीज? मैम मैंने तो बोला सेल्फ डिपेंडेंस। ओके मनप्रीत ने बोला इकोनॉमी? नो मैम। ओके हाँ जी, किसने बोला था इकोनॉमी, बोलिए जरा, अभी चुप कर गए। ओके नो इश्यूज, हाँ जी और कोई पॉइंट? पॉइंट तो है इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। ओके यू कैन से अपग्रेडेड, अपग्रेड, यस मैम अपग्रेड, अपग्रेडेड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। ओके मैम नॉलेज अबाउट कल्चर एंड ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर एंड कंट्री, दैट इज नोन एज, एक मिनट एक एक करके बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज एक्सपोजर, उसको एक्सपोजर बोलते हैं कि अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, दैट इज एन एक्सपोजर। ओके ब्रॉडन्स द होराइजंस ऑफ वन्स नॉलेज, दैट कम्स अंडर एक्सपोजर। ओके ब्राइट फ्यूचर मैम, ब्राइट फ्यूचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप अरुण सर? मैम अगर वो वहां पे जाते हैं तो मैम अपने आप को अपग्रेड करते हैं और वहां पे बेटर जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी तो मैम उनका फ्यूचर ऑटोमेटिक ब्राइट होगा, वो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स में आएगा ये चीज। और कुछ? ओके मैम दे विल लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, एक्सपीरियंस फॉरेन लैंग्वेज, ओके अपॉर्चुनिटी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, सिर्फ जो बंदा बोल रहा है, एक मिनट जो सिर्फ बोल रहा है सिर्फ वही बोलिए, बाकी म्यूट कीजिए, आपके बैकग्राउंड में नॉइजेस मुझे बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है? आपके घर के जो साथ में बैठे होते हैं ना उन सबकी आवाजें, उन सबकी बातचीत जो है वो हम लोगों को सुनाई देती है, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है? ओके लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ओके हाँ जी, नेक्स्ट कोई पॉइंट, वैलिड पॉइंट आपके दिमाग से क्रांति लर्न, लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर, ओके इंटरनेशनल कल्चर, यस कम्युनिकेशन, क्या प्रीति आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है? ओके हाँ जी और कोई पॉइंट, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आ गया है, इंडिपेंडेंस सेल्फ डिपेंडेंस में आ जाएगा, लेस क्राइम रेट मैम, लेस क्राइम रेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, लेस क्राइम रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे हरप्रीत? मैम बाहर जो जाते हैं स्टूडेंट जी उधर लेस क्राइम रेट होता है, जिवें कि इधर करप्शन वगैरह उधर है नहीं, एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड की बात करते हैं, एक इंसान जो है वो जब स्टडी करता है बाहर जाके उसको क्या एडवांटेज होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, वीक पॉइंट्स नहीं हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे चले फिर, कॉन्फिडेंस विल बी बूस्ट मैम, यस कॉन्फिडेंस लेवल्स, ओके नॉलेज वास्ट नॉलेज, नॉट नॉलेज वास्ट, That comes, okay. ये जो है वो उसमें आएगा, एक्सपोजर में आएगा, नॉलेज और जो आप कहते हैं कि कल्चर्स को पढ़ना, लोगों से मिलना, नए नए लोगों से मिलना, वो सब कुछ एक्सपोजर में पॉइंट में कवर हो जाएगा। हाँ जी हेलो मैम, यस बोलो मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है,
ਓਕੇ ਮੈਮ ਲਰਨ ਟੂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਸਕਿਲਸ ਲਾਈਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕੁਝ ਵੋ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੇ ਆਏਗਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿਲਸ ਆ ਜਾਣੇ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੇ ਹਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕੁਝ और कोई पॉइंट मैम हाँ जी बोलिए मैम जैसे आपने लिखा है मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ डिपेंडेंस सेम नहीं हो जाएगा एक वो नहीं आ जाता है कि नहीं नो नो दोनों अलग चीजें देखिए फर्क क्या है सेल्फ डिपेंडेंस होना होता है कि हमारे पास ना कोई और इंसान है नहीं जिसपे हम डिपेंड हो सके हमें पता है कि सारी चीजें मुझे ही करनी है मुझे ही घर का काम करना है मुझे ही बाहर का करना है That is self-dependency. हम खुद पे depend होते हैं सिर्फ मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि जैसे आपके ही शहर से कोई और इंसान आया आपको पता है कि उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपने उसको हेल्प किया दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जो है वो बाकियों की हेल्प करते हैं अपनी खुद की हेल्प करते हैं आपको पता है कि इतनी डेट पे मुझे जो है ये काम कंप्लीट करना है ये प्रोजेक्ट पूरा करना है आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं लीनियंसी नहीं होती कि आप किसी और को ब्लेम कर देंगे दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं हाँ जी और कुछ मैम लर्न अबाउट न्यू स्किल्स हो सकता है हो सकता है यस आप कह सकते हैं कि न्यू स्किल्स को अडॉप्ट करना हो सकता है ये हो सकता है कि नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा मतलब ट्रैवलिंग होगी उनकी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वो एक्सपोजर में आएगा एक्सपोजर में आएगा एवरीथिंग दैट रिलेटेड टू कल्चर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ट्रैवल किसी किसी अलग अलग कल्चर्स की या वहीं जहां पर आप रहने गए हैं वहां की चीजों को कल्चर को उनकी जगहों को एक्सपोज जो है वो देखना दैट इज दैट कम्स अंडर एक्सपोजर ओनली और कुछ गुड एनवायरनमेंट मैम गुड एनवायरनमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसमें मैम उधर जी अब्रॉड लेस होंगी लेस पोल्यूशन फ्री होता है लेस पोल्यूशन फ्री क्या होता है एनवायरनमेंट मैम हरप्रीत या तो पोल्यूशन फ्री होता है ठीक है हाँ दी, हाँ दी, या लेस पॉल्यूशन होता है लेस पॉल्यूशन फ्री कुछ नहीं होता है ओके मैम ओके कोई बात नहीं नहीं इसमें नहीं आएगा बेटा ये और कुछ मैम मैम चांस टू गेट गुड एम्प्लॉयमेंट हाँ वो बेटर अपॉर्चुनिटीज में आएगा दैट कम्स अंडर फर्स्ट पॉइंट एनी अदर पॉइंट एनीवन दैट मैम ओपन माइंडेड हाँ वो ओपन माइंडेड वाला है जो वो हम कह सकते हैं लेकिन वो एक्सपोजर में आएगा दैट कम्स अंडर एक्सपोजर कैन इट बी अ प्रोसेस इट बी अ बेनिफिट वी कैन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट टीचिंग स्टाइल आप लिख सकते हैं अपग्रेडेड एकेडमिक स्टैंडर्ड क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है अभी आप म्यूट हो जाइए प्लीज सारे म्यूट हो जाइए थैंक यू अभी क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि हमारे वर्ल्ड में दो तरह की कंट्रीज हैं राइट एक को कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज एक को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज तो क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज उनको कहा जाता है द कंट्रीज हु आर विच आर एक्चुअली हैविंग दैट काइंड ऑफ एन अथॉरिटी और पावर कि लोग उनको एक एडमिरेशन की नजर से देखते हैं है ना जैसे अमेरिका हो गया कनाडा हो गया ऑस्ट्रेलिया या हम कह सकते हैं कि चाइना दीज आर डेवलप्ड नेशंस राइट यूके अभी बाकी का वर्ल्ड जो है दैट कम्स अंडर टू कैटेगरीज एक है डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अपने आप को डेवलप कर रही हैं ठीक है डेवलपिंग कंट्रीज में आती है इंडिया जापान ठीक है ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान कुछ ऐसी हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं फॉर एग्जांपल अफ्रीका हो गया नेपाल हो गया भूटान हो गया दीज आर द जो बहुत छोटी कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप वाले एरिए तक भी नहीं पहुंची हैं ठीक है अभी होता क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज
और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके लोग जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में एक अच्छी और हायर एजुकेशन के लिए, ताकि या तो उनके दो मोटिव्स होते हैं, या तो होता है कि वहीं पर जाएं, वहीं पर सेटल हो जाएं और वहीं पर रहें, दूसरा मोटिव होता है कि बेटर एजुकेशन लें, हायर स्टडीज करें और वापस अपनी नेटिव कंट्री में आ जाएं, डेवलपिंग कंट्री में आ जाएं, और ऐसा करके अपनी कंट्री में आकर खूब सारा जो है वो अपॉर्चुनिटीज गेन करें, अच्छा पे स्केल हो, अच्छा मेरा पोजीशन हो, अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो। दो तरह के लोग। अभी हम जब अपग्रेडेड की बात, हमने 11th पॉइंट जो लिखा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अपग्रेडेड एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपकी कंट्रीज जो हैं, दैट मीन्स हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन लोग जो है वो एक अलग तरह का स्टैंडर्ड जो है उसका एक्सपीरियंस करने के लिए हायर स्टडीज में अब्रॉड जाते हैं। दिस इज द पॉइंट, ओके, दिस इज द अनयूजुअल पॉइंट, दैट इज द रीजन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। नाउ वी आर मूविंग फोकस टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है बाहर पढ़ने की? कैन बी एक्सपेंसिव। वेरी गुड। सबसे पहली बात ये है कि ये एक्सपेंसिव है, राइट? मैम लोनलीनेस एंड मैम फैमिली बॉन्ड्स में वीक हो जाएगा। एक मिनट बेटा, होम सिकनेस, बिल्कुल होम सिकनेस, फैमिली बॉन्ड इसी में आ जाएगा। अपने सिबलिंग से दूर रहना पड़ता है। हां जी, किससे दूर रहना पड़ता है? ऑन सिबलिंग्स, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होती है, हमारी सिटी होती है, उन सभी से दूर जाना पड़ता है। जागृति, डू यू नो द मीनिंग ऑफ होम सिकनेस बेटा? मैम आइसोलेशन। नो, नॉट आइसोलेशन, उसको कोविड थोड़ी ना हुआ है। होम सिकनेस होती है जब आप अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं जाते हैं और अपने घर से दूर है। होम मतलब घर, सिकनेस मतलब उसको याद करना। होम सिकनेस का मतलब है आप कहीं दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं और आप अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वही चीज जो आप दो तीन पॉइंट्स में बोल रहे हैं वो एक वर्ड में यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, दैट इज होमसिकनेस। अभी क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, आगे चलिए। और कोई पॉइंट? कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको अरुण सर? मैम वन वे पेड में आएगा कि यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड में, मैम यहाँ की मनी मैम कन्वर्ट करके डॉलर्स और यूरो में मैम वहाँ पे करते हैं, बट उसका कोई रिवेन्यू या कोई रीपेमेंट नहीं आता मैम। नहीं, इतना हम आगे वाला पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करेंगे। मैम मोटा मोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करो। हाँ जी मैम, लेस एक्सपेक्टेड अबाउट इकोनॉमिक रेट। एक मिनट, पहले इकोनॉमिक रेट वाला कौन था? सिर्फ वही जो है वो स्पीकर पे हुई है, बाकी म्यूट हो जाइए सारे। मैम जो मैं बोल रहा था वो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना मैम। अच्छा, आप ये कह रहे थे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यस मैम, इम्पैक्ट ऑन आवर ओन नेशन इकोनॉमी। ओके, और भी है कोई ऐसे इस पॉइंट वाला? आप ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप मंजलि? मैम नो, मैंने तो नहीं बोला ये वाला पॉइंट। ओके फाइन फाइन, और किसने बोला? आप किरण है। यस बोलिए किरण, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इस चीज को? मैं अगर हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो हमारी खुद की कंट्री का इकोनॉमिक रेट भी कम होगा, उससे हम जो मनी स्पेंड कर रहे हैं बाहर वाली कंट्री की स्टडीज पे, हम वो अपनी कंट्रीज की इकोनॉमिक रेट को कम करके जा रहे हैं ना वहाँ पर। चलो लिख लेते हैं, बट दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, यस जशन, यू रेज योर हैंड, बोलिए। Okay. Ma'am, can we write about discrimination? Students may feel discriminated because maybe they have not, they do not have command on the language, and moreover, there must be discrimination on the basis of color, caste or nation maybe. Okay. Discrimination jo hai, color pe, caste pe, ek unke nationality pe, unke culture pe, kisi bhi tarike ki ho sakti hai. ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वेरी गुड। हाँ जी नेहा, सॉरी स्नेहा, एक मिनट, अभी देखिए दिस इज द राइट वे। आप अपना हैंड रेज करेंगे एंड आई एम गोइंग टू
स्पीक अप योर नेम और उसके बाद आप अपना बात कहेंगे, ठीक है? वन बाय वन, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी स्नेहा, अभी आप बोलने वाली हैं, बोलिए। जी मैम, हाई रिस्पेक्ट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लाइक वहां पे हमें पता नहीं कौन हमारे फ्रेंड्स बनेंगे या हु विल बी आवर एनिमीज, कौन हमारे साथ मुझे हेल्प करेंगे या मुझे रॉन्ग गाइड करेंगे। ओके आप इसको कैसे लिखेंगे? हाई रिस्पेक्ट। आप इसको stay, हाँ वहाँ पे इतने दूर रह के जब मेरे आसपास मेरा एवरीबॉडी उम्मीद है। ठीक है, गुड। ओके नेक्स्ट प्रीति, क्या बोलना चाहते हैं आप? आप अपने हैंड को जो है वो नीचे कीजिए। स्नेहा प्रीति अब भी बोलिए आप। लैंग्वेज बैरियर, यस। कई बारी ऐसी कंट्रीज से जो कैंडिडेट्स हैं वो चले जाते हैं जिनको वहां की लैंग्वेज नहीं आती है जहां पर वो गए हैं। वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट राजवीर मैम, प्रॉब्लम्स पेपर वर्क सच एज वीजा एप्लीकेशंस। नहीं वो तो अप्लाई करने के टाइम पे हो गया ना, हम स्टडी अब्रॉड की बात कर रहे हैं। ओके मैम, सेकंड ये भी हो सकता है, नो हेल्प एनीवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। आपकी आवाज मुझे डबलिंग में सुन रही है। अभी बोलिए। नो हेल्प एनीवन इन सिचुएशंस। ओके आप कह सकते हैं ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज एंड हेल्प। जेन्युइन हेल्प आपको नहीं पता चलती कि कौन जो इंसान है आपकी हेल्प कर रहा है, फैमिली और कल्चर वो उसमें आ जाएगा। लोनलीनेस एंड होम सिकनेस। हेलो पीपल फेस अ लॉट ऑफ। उसके बाद जो अगला बंदा बोलने वाला है दैट इज गैलेक्सी J2। जी बोलिए। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए बोलिए। अवे फ्रॉम देयर होम कल्चर व्हेन दे मूव इन अब्रॉड। Okay. We can at this point? Yes, we can. Native culture. Okay. Ma'am. Haan ji. Ma'am, another country rules and regulations, right? So difficult to understand to another person. Simarjeet, aap headphone laga ke baat kar rahi hain? वॉल्यूम डबल आ रही है सबकी, सबकी वॉल्यूम आप लोगों की डबल आ रही है। दिस इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, प्लीज चेक। मैम आपकी वॉइस भी डबल आ रही है। क्या सभी को मेरी वॉइस डबल आ रही है? नो मैम, नो मैम, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही मैम, अब सही है, म्यूट हो जाइए सभी, अपने अपने हेडफोन्स चेक कीजिए। अगर जिसने स्पीकर पे लगाए, सेफ्टी इशू, यस। देखिए आप जो है वो थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी सेटिंग्स कीजिए अपने। मेरी सेटिंग्स ओके हैं, अभी मेरी एक ही आवाज आ रही है, राइट? यस मैम। ओके सेफ्टी इशू जो आप में से किसी ने बोला दैट कम्स अंडर फिफ्थ पॉइंट। हाँ जी, और ब्रेन ड्रेन आ सकता है, यस ब्रेन ड्रेन आ सकता है, लेकिन ब्रेन ड्रेन जो है वो एक वीक पॉइंट है। क्यों? हम जिसमें बात कर रहे हैं दैट इज स्टडिंग अब्रॉड की डिसएडवांटेजेस, उस इंसान की डिसएडवांटेजेस जो कि वहां पर स्टडी करने गया है, नॉट अबाउट द नेशन और कल्चर। हाँ जी बोलिए जैसिका। मैम इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू स्टडी अलोंग विद द अर्निंग, जैसे उसे काम भी करना पड़ता है साथ में। वो एक्सपेंसिव में आप लिखेंगे, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव कि उसकी फीसेस उसको खुद के भरने के लिए उसको काम करना पड़ता है, ठीक है? कैन आई कम सर? हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, बच्चे बैड हैबिट्स वाल भी ज्यादा चले जाते हैं जब अब्रॉड चले जाते हैं, लाइक पेरेंट्स तो दूर होते हैं तो कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में वो लोग इंडल्ज हो जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट। अनफैमिलियर कल्चर, हाँ जी अनफैमिलियर कल्चर, कैन वी राइट अबाउट
एक बंदा एक टाइम पे बोलता है, दे मेक अवे फ्रॉम देयर रूट्स, नेटिव कल्चर डिस्टेंस हो जाता है, दैट इज सेम पॉइंट मैम. अनफैमिलियर कल्चर, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं मैम. अनफैमिलियर कल्चर, ओके, वो सेम सेम चीज है. यस यस बोले. Yes, ma'am. Can we write about that they may get away from their roots? There must be impact of Occidental culture on Oriental one. Going to this, they may get away from their roots. That comes under ultimately, eighth one. I got it, Jashan. That comes under eighth one. Native culture se distant ho jate hain. That means wo log native culture se dur ho jate. ठीक है. That comes under this point. आपका point सही था. That comes under that. हाँ जी. और कोई point? Ma'am. Mm-hmm. Mem, student move to another country, then they face difficulty about the different type of rights and rules in another country. Yes, बिल्कुल. Different kind of rules. और क्या लिख सकते हैं आप इसको? Society लिख सकते हैं, है ना? Yes. उसमें rules आ गए, उसकी regulations आ गई. कस्टम्स आ गई लोगों के. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन? मैं बताती हूँ. कॉस्ट्यूम्स आ गई, सब कुछ आ जाएगा इसमें. ठीक है, सोसाइटी में. ओके, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो अच्छे ब्रेन्स हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं किसी भी कंट्री के, जब वो लोग जो इंटेलिजेंट हैं, कहने का मतलब वो जब एक अपनी कंट्री को छोड़ के किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाते हैं तो वो अपने साथ एक इंटेलिजेंस ले जाते हैं. ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे 10 बंदे जो हैं, 10 साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं किसी भी कंट्री के, है ना. उनमें से दो चले गए बाहर, वो बहुत अच्छे सेटल हो गए, उनको देख के तीन और चले गए, पांच रह गए. उस पांच में से गवर्नमेंट जो है उसने तो उतने ही पैसे देने हैं, सब कुछ वैसे ही चलता है हमारे यहाँ पे, है ना, उतने ही इंक्रीमेंट, उतना ही सब कुछ. अभी जो वो पांच गए थे बाहर, वो बहुत अच्छे सेटल हैं, उनको देख के तीन और चले गए. अभी क्या होगा, जो दो साइंटिस्ट रह गए वो 10 का काम कैसे करेंगे? इवेंचुअली क्या होगा, या तो वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे या अपनी नई टीम बनाएंगे. दैट मींस कि ब्रेन ड्रेन होना, ब्रेन का मतलब दिमाग, इंटेलिजेंस, ड्रेन मतलब कम पड़ जाना, राइट. एज अ कंसीक्वेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर ओन नेशन विल बी लेस डेवलप्ड. हां, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, बट दिस इज अ वेरी वीक पॉइंट. Okay, अब इसमें से हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकालने वाले हैं. ठीक है, जो आपने सभी पॉइंट्स बोले हैं ना, इसमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकालेंगे. यस सिमरजीत, यू रेज योर हैंड, बोलिए. नो मैम, आई टोल्ड यू काइंड ऑफ सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस. देन लोअर योर हैंड. यस प्राची. मैम, इन द फिफ्थ पॉइंट वी कैन इंक्लूड दैट द मनी वी स्पेंड ऑन आवर एजुकेशन, लाइक ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि हमें वो सेम मनी हमें मिले जब हम जॉब करें. लाइक if we spend 10 lakh on an education, maybe we are only getting 1 or 2 lakh. So that type of risk can also be there. हाँ, आ सकता है, उसमें आ जाए. आप example दे सकते हैं इस चीज की. ठीक है, और कोई point? Anyone who want to say something? Culture. How, Keval sir? Forget to our culture. How forget to our culture? How you will explain this? जब बंदा बाहर जाएगा तो तब कुछ सालों में अपना कल्चर छोड़ देगा, इधर का जो होता है इंडिया का. वो एट्थ में आ गया. हेलो मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम. हेलो, अभी मेरी आवाज क्लियर है फॉर एवरीवन? यस मैम, यस मैम. आप रीजॉइन कीजिए प्लीज. जिसको भी आवाज का प्रॉब्लम पहुंचे या जिसको भी क्लियर नहीं है मेरी वॉइस, आई अगेन एडवाइस यू, बिना कुछ बोले आप लेफ्ट कीजिए मीटिंग, रीज्वाइन कीजिए. आई विल लेट यू टू रीज्वाइन, मैं दोबारा से आपको जो है वो ज्वाइन करवा लूंगी. इससे क्या होगा, आपके कई बार इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, वो इसी के कारण आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती है. तो बिना कुछ बोले छोड़ दीजिए क्लास, वापस से ज्वाइन कीजिए. ओके जी. हाँ जी, और कुछ, और कोई पॉइंट किसी को भी याद आ रहा हो, आपको लगे कि मुझे बताना चाहिए? यस मनप्रीत.
आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, रिज्वाइन कीजिए मनप्रीत, रिज्वाइन कीजिए आप। और कोई, किसी का कुछ पॉइंट ऐसा जो आप बताना चाहें? मैम एंटी सोशल एक्टिविटीज आ सकते हैं, ये अनएथिकल प्रैक्टिस में आ जाएगा। एंटी सोशल जो एक्टिविटीज की आप बात कर रही हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आएगा, एंटी सोशल इज अनएथिकल। और कुछ मैम? फैमिली रिलेशन विल बी वीक इन होमसिकनेस में आएगा, लोनलीनेस में आएगा। यस, होमसिकनेस में उसको याद करना, घर को याद करना, अपनी फैमिली को याद करना, अपनी कंट्री को, एनवायरनमेंट को याद करना, लोनलीनेस हो गया, अकेलापन, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसकी आदत हो जाती है हर एक इंसान को। फिर उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करना मुश्किल लगने लग जाता है, उनको इंटरफियरेंस लगने लग जाते हैं। दिस हैपन। और कुछ, और कोई पॉइंट मैम? जुवेनाइल टेंडेंसी कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप? मैम लाइक द एक्सपर्ट्स आर इमिग्रेटिंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज, सो देयरफॉर आवर इकॉनमी हैज टू सफर। इफेक्ट ऑन इकॉनमी में आएगा जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं वो। यस मैम, उसमें नहीं लिख सकते ना हम जुवेनाइल टेंडेंसी का? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी को, बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि आप में से किसी का बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक होगा, मतलब इकोनॉमिक्स होगा, कईयों का जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स होगा, कईयों का बैकग्राउंड जो है वो साइंस होगा, कई जो है वो लॉ वाले स्टूडेंट भी होंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हम आइल्स को, कोई भी ऐसे को, कोई भी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ट्राई टू अवॉइड द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आप में से कोई इफेक्ट ऑफ करेंसी बता रहा था, आप में से कोई इकोनॉमी वाला आपका पॉइंट है, ठीक है, या आपका कोई ऐसा जुवेनाइल्स वाला आपने बताया पॉइंट, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग इतने टिपिकल चीजें अवॉइड करते हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण, एग्जामिनर जो ये चेक कर रहा है, दैट पर्सन मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली रिलेट्स हिम और हर सेल्फ टू लिटरेचर। वो जो इंसान बैठा है ना, वो लिटरेचर वाला बंदा है। उसका होगा क्या कि जब आप ऐसी चीजें यूज करते हैं तो ऐसी चीजें टॉपिक के साथ 90% मैच नहीं करती हैं, तो बाय दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो इन चीजों को एक वीक पॉइंट कंसिडर करेगा। दूसरा पॉइंट, जब भी आप ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को, ऐसी कोई प्रॉपर जार्गन बोलते हैं इन चीजों को, कुछ खास टर्म्स जो होती हैं दैट आर नोन एज जार्गन, ऐसी जार्गन वोकैबुलरी जो है आप यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी उसको अच्छे से डिटेलिंग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, पॉइंट जितना जनरल होगा उतना ही डायरेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जितना डायरेक्ट होगा उतना ही आपके बैंड स्कोर्स अच्छे आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अभी हम जो है वो चूज करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। देखिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाद अपग्रेडेड लाइफस्टाइल है। अभी ये जो तीन पॉइंट है, बेटर कॉन्फिडेंस लगा लिया हमने, ठीक है, म्यूट हो जाइए सभी प्लीज, और अपग्रेडेड एकेडमिक स्टैंडर्ड, एक दो तीन चार पांच जो पॉइंट्स हैं, ये पांच पॉइंट्स जो हैं, ये पांचों पॉइंट्स जो हैं, वी विल कंसिडर इट एज वन पॉइंट। ये एक बड़ा एक पॉइंट बना। उसके बाद आपके अगले पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से जो है लिख पाएंगे आप, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है, एक्सपोजर, फॉरेन लैंग्वेज, उसके साथ ही इंटरनेशनल कल्चर,
ये हैं आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है? इनमें से इन तीनों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है? जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे, दिस विल बी योर बीपी ऑफ एडवांटेज। अगर ये नहीं तो इन पांचों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी बता रही हूं मैं आपको, एक अच्छे ऐसे की ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब डिसएडवांटेजेस पे आ जाइए। डिसएडवांटेजेस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम उठाएंगे, ठीक है? आपका जो आपकी पॉइंट था, एक तो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है, एक हाई रिस्क फैक्टर, ब्रेन ड्रेन। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आप इन तीनों को इंटरकनेक्ट करके लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं, पहले तो ये एक्सपेंसिव है, होम सिकनेस देता है बाहर रहने वालों को, लैंग्वेज बैरियर जो है वो भी एक बहुत मेजर जो है वो फैक्टर है, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ये चारों को आप एक बॉडी पैराग्राफ में एज वन पॉइंट एक्सप्लेन कर पाएंगे। दिस इज द प्रॉपर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जब हम इनमें से कोई एक अनएथिकल प्रैक्टिस को, अनएथिकल प्रैक्टिस को हम कैसे मेंशन करेंगे मैम? हाँ, मैं बताती इसमें क्या है। जब भी हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक पॉइंट है, समझ रहे हैं आप? इन चीजों को हम कनेक्ट करेंगे या हम बीच में से तोड़ तोड़ के ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो बॉडी पैराग्राफ जब हम एक्सप्लेन करें तो ऐसे ना लगे कि ये कहीं से उठा लिया, ये कहीं से लाइन उठा ली, ये कहीं से उठा ली। लेकिन ये 11 पॉइंट्स में से ये चार पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन 11 पॉइंट्स में से ये तीन पॉइंट्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उन प्रैक्टिसेस को कहा जाता है जो कि इलीगल हो, ठीक है, जो सोसाइटी पे गलत इफेक्ट डाल रही हो, या ऐसी जो किसी की पर्सनालिटी पे, किसी की लाइफ पे गलत असर डाल रही हो। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रियल सॉल्यूशन ऑफ योर एसे। देखिए, दिस इज द रियल सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं वो? जस्ट अ सेकेंड, अभी बीच में नहीं, अभी बीच में कोई नहीं, अभी मुझे सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने दीजिए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट यू वांट टू से। हायर एकेडमिक्स इज द प्रोमिनेंट फैक्टर टू अचीव अ प्रोफेशनल एज वेल सोशल स्टेटस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। हायर एजुकेशन, एकेडमिक्स मतलब एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक प्रोफेशनल लाइफ और एक सोशल स्टेटस दोनों चीजों को गेन करने के लिए किसी की भी लाइफ में। नाउअडेज द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रिफर टू गो टू अब्रॉड फॉर देयर हायर एजुकेशन। आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए एंड कंटिन्यू देयर स्टडीज बैक इन द होम कंट्री। वापस भी आ जाते हैं कई बार। The present essay will elaborate a few disadvantages of studying abroad. ये जो present essay है, ये थोड़ी सी disadvantages along with benefits और advantages जो है foreign land में पढ़ने की explain करेगा। That means we are going to describe both the things, disadvantages as well as advantages. ये हो गई आपकी thesis line. आगे देखिए। The first and foremost advantage is the vast exposure. सबसे पहले vast exposure जो है वो सबसे पहली advantage है। एक बच्चा graduation के बाद या अपने tertiary education तक, that means plus two के बाद जो है वो बाहर जाता है, तो उसको एकदम से एक home culture से निकलकर बाहर एक international culture में डाल दिया जाता है, जो जो कि एक उसके लिए बहुत बड़ा exposure होता है, ठीक है? Get an early stage and that makes them more independent in every aspect of life, be it social or financial. अभी इसमें दोनों चीजें आ गई,
ठीक है, इंडिपेंडेंट बन जाता है एक इंसान जब उसको एक इतना बड़ा वास्ट एक्सपोजर जो है वो मिलता है, सोशली भी इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली भी. स्टूडेंट्स गेट टू मीट अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, डिफरेंट तरह के कल्चर्स में के बच्चों को वो मिलता है. हु टीच देम अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज न्यू वैल्यूज, फूड, न्यू प्रैक्टिसेस अबाउट वेरियस कल्चर्स. ये जो लोग हैं अलग अलग कल्चर्स के स्टूडेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो नए कल्चर्स को, नई वैल्यूज को, नए खाने को, नई क्यूजींस को सीखते हैं, न्यू प्रैक्टिसेस करते हैं. फर्दर मोर दे बिकम मल्टी लिंग्विस्टिक, लैंग्वेजेस सीखते हैं वो एक दूसरे की, और एक बंदा जो है वो मल्टी लिंग्विस्ट बन जाता है, दैट मीन्स जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो. एज दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रैक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि उनके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि वो डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे मिल सके, उनसे बातचीत कर सके, उनसे इंटरेक्ट कर सके. दीज थिंग्स हेल्प देम टू कोप एंड एडजस्ट वेल सोशली एंड लर्न टॉलरेंस. ऐसी जो चीजें हैं ये उनको एक सहना सिखाती हैं. कोप अप होता है एडजस्टमेंट करना, सोशली भी कैसे रहना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना, कुछ ऐसा नहीं करना जो दूसरे के कल्चर के अकॉर्डिंग गलत हो या किसी को नुकसान पहुंचाए या दुख पहुंचाए, और एक दूसरे को टॉलरेट करना. मोर ओवर स्टडिंग अब्रॉड गिव्स द स्टूडेंट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ड्यू टू विच दे गेट अ बेटर एज ओवर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट एजुकेटेड अब्रॉड. एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है उसको, दैट मीन्स इंटरनेशनली वो अप्रूव्ड एक एटमॉस्फेयर उसको मिलता है जिसमें कि उसको ऐसे रहने का जो है वो मौका मिलता है, जहां पर जो मौका एक ऐसे इंसान को नहीं मिलता जो कभी बाहर पढ़ने नहीं गया. टू एग्जाम्पलीफाई, दैट मीन्स एग्जाम्पल की हम अगर बात करें, द फॉरन एजुकेटेड लर्नर्स आर मोर लाइकली टू एबल टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. एग्जाम्पल के तौर पर जो बाहर पढ़ के आया है इंसान उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब में, हायर पे मिलती है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसको ज्यादा पता होती है एज कंपैरेटिव टू उन स्टूडेंट्स के जो कि सिर्फ अपने नेटिव कंट्री में पढ़े हैं या उसी एरिया में पढ़े हैं जहां पर कि उनकी एजुकेशन पहले थी. द एक्सटेंसिव एक्सपोजर एट सच एन अर्ली एज हेल्प्स देम मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ एंड मैनेज द रिसोर्सेज वेल. ऐसा एक्सपोजर जो है वो इंसान को छोटी एज में ही हो जाए तो एक तो वो बेटर डिसीजंस लेने लग जाता है, खुद अपने डिसीजंस लेता है लाइफ के, एक वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, जितने पैसे हैं उसके, जितनी स्टडीज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कैसे यूज करें उसको वो पता चल जाता है. नाउ अभी हम करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस. सेकंड बॉडी पैराग्राफ क्या कह रहा है देखिए. हाउएवर स्टडिंग अब्रॉड इज फाइनेंशियली वेरी टैक्सिंग, दैट मीन्स एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, सर्टेनली एक्सपेंसिव. Also, the students have initial hitch of adjusting to the new culture psychologically as well as emotionally. Students जो हैं उनको problem आती है, initial hitch होता है हिचकिचाहट होना, okay? उनको हिचकिचाहट होती है किसी भी नए culture को psychologically या emotionally जो है वो adjust होने में, adopt करने में. Even in some extreme cases, even in some extreme cases, कई बारी extreme cases में क्या होता है, बच्चे जो हैं वो unethical practices के हत्थे चढ़ जाते हैं. That means कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो उनसे illegal practices भी करवाते हैं. The foreign language is the next barrier. Foreign language भी एक बहुत बड़ा reason है. Have to surpass as not all students become fluent in foreign languages. क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो foreign language में fluent नहीं हो सकता. They have to learn, उनको ये सीखना पड़ता है, and it requires a lot of effort. और इन चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा practice लगती है. To encapsulate, अगर हम इसको conclude करें, there are more plus points of studying abroad than minuses. That means एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से. ओवरऑल इट ब्रिंग्स बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इससे स्टूडेंट्स को, एंड मेक्स देम बेटर डिसीजन मेकर्स इन देयर फ्यूचर एंडेवर्स, और अपने फ्यूचर प्लान्स में वो लोग अच्छी तरह से डिसीजंस खुद ले सकते हैं
अगर हम एक अच्छे डिसीजन मेकर्स की बात करें. दिस इज योर सॉल्यूशन. एनी क्वेश्चन और क्वेरी आप लोगों की आप अभी पूछ सकते हैं. है किसी की कोई क्वेरी? मैम, जब हम ऐसे लिखेंगे तो पहले एडवांटेजेस के पॉइंट्स एक्सप्लेन करके फिर डिसएडवांटेजेस के एक्सप्लेन करेंगे. देखिए जागृति, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब हमें दो चीजें बतानी हो ना, तो हमेशा एक अच्छी खबर और बुरी खबर, तो हमेशा शुरुआत अच्छी से करनी चाहिए, है ना. तो वही चीज इसमें है. जब आप एडवांटेजेस जो है वो पहले देते हैं ना, तो ऑलवेज इट इज इजी टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एज कंपैरेटिव टू डिसएडवांटेजेस. ठीक है, अगर आप वाइस वर्सा, दैट मींस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पहले देना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप दे सकते हैं, नो इश्यूज. मैम, ओके मैम. यस हिमांशी. मैम, मेरा क्वेश्चन था एसे से रिगार्डिंग, ये वाले एसे से रिगार्डिंग ही था. मुझे ना कंफ्यूजन होती है कॉजेज और रीजंस में. लाइक ऐसे होते हैं ना, जैसे इसके कॉजेज बताओ, किसी में पूछते इसके रीजंस बताओ, तो वो चीज कॉजेज और रीजंस में क्या डिफरेंस है? ओके हिमांशी, होता क्या है, देखिए वैसे देखा जाए तो दोनों का हिंदी में एक ही मतलब. ठीक है, कॉजेस का मतलब होता है कि वो चीजें जिनसे ये प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हुई, रीजंस वो कारण जिनसे ये प्रॉब्लम खड़ी हुई. ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन कॉजेस और रीजंस जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करते हैं, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ठीक है, बेसिकली आपको एक मिनट बेटा, एक मिनट. बेसिकली आपको वो चीज एक्सप्लेन करना है जिसके कारण वो चीज सामने आई है, चाहे वहां पर कॉजेज लिखा है चाहे वहां पर रीजंस लिखा है. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. दिस इज ओनली ट्रिकी थिंग टू राइट डाउन रीजंस और कॉजेज. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है. ओके मैम, एक्सक्यूज मी मैम. यस सिमरजीत, यू वांट टू से समथिंग, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं. हाँ जी मैम, हेट्स वर्ड का मीनिंग क्या है? किस चीज का क्या मतलब है बेटा? HITCH. हिच, ओके. हिच होता है हिचकिचाहट होना. ओके जी जी जी. हाँ जी सिमरनजीत बोलिए. मैम आई हैव इंक्वायरी. हाँ जी सिमरनजीत बोलिए. कैन वी यूज idiom? बेटे बीच में सिमरजीत, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, अभी आप म्यूट हो जाइए प्लीज. हाँ जी सिमरनजीत आप बोलिए प्लीज. मैम आई हैव वन क्वेरी, वेदर वी कैन यूज idiom इन प्लेस ऑफ एक्सपेंसिव, दैट इट इज एन कॉस्ट ऑफ आर्म एंड लेग. ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. देखिए सिमरनजीत, एक चीज मैं आपको बताना ही भूल गई सभी को, मैं अभी दिमाग में स्ट्रक की, सॉरी, कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप idioms लिखिए जी, ऐसे में ज्यादा नंबर आएंगे, तो डेफिनेटली उस इंसान को नहीं पता है कि IELTS में नंबर किस चीज से आते. idioms कोई भी phrases, कोई भी poetry की lines, कोई भी biography की lines, autobiography की lines, कोई quotations, हम कुछ भी नहीं लिखते हैं. In your essay, you are not going to write down any of these things. पहली बात. दूसरी बात, अगर आप ये लिखती हैं, they will consider it as a crammed answer. वो उनको, वो इस चीज को रटा रटाया आंसर मान लेंगे. और अगर उन्होंने ऐसा किया आपके एग्जामिनर ने, तो डेफिनेटली यू इट विल रिड्यूस योर बैंड स्कोर्स टू इवन वन और वन एंड अ हाफ बैंड. अगर उन्होंने आपको 6.5 बैंड देने हैं, तो वो आपको 5 ही देंगे. माइंड इट एवरीवन, नेवर राइट एनी काइंड ऑफ अ idiom, फ्रेज, एनी लाइन ऑफ पोइट्री, एनी लाइन फ्रॉम एनी बुक, न्यूज़पेपर, एनीथिंग दैट इज ऑलरेडी रिटन इन योर एसे, प्लीज. ओके मैम, idiom का यूज करना स्पीकिंग में भी जरूरी है या नहीं? जरूरी नहीं है, जरूरी कुछ भी नहीं है.
idiom, phrases कुछ भी जरूरी नहीं है. मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप ना ही करें तो बेटर है, अगर आप करना okay, चाहते हैं. हाँ देखिए, राइटिंग में तो आपको करना ही नहीं है यूज. स्पीकिंग में अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत जरूरी लगता है, या आपको ये लगता है कि इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं कभी भी नहीं करती स्पीकिंग में. ठीक है, इट्स अ पर्सनल क्रैमिंग नहीं लगता ना मैं. ये क्रैमिंग लगता है, ये होता ही है क्रैमिंग. हम याद करते हैं तभी तो मौके पे हमें याद आता है. अगर हम याद ही नहीं करेंगे okay, तो मौके पे कैसे याद आएगा, राइट? जी ओके मैम, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम. जी अनमोल प्रीत बोलिए. हाँ जी अनमोल बोलिए. ओ सॉरी जशन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है आप? मैम सिमरन, सिमरन इज हियर. हाँ जी सिमरन बोलिए. मैम कैन वी यूज पर्सनल प्रोनाउन दैट वी कैन यूज आई इन अ थीसिस और इंट्रोडक्शन लाइन? ओके देखिए सिमरनजीत, क्या है कि इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. म्यूट हो जाइए सभी प्लीज. इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है, अभी क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज योर ओपिनियन, तो आप लिखेंगे आई कंप्लीटली अग्री या आई कंप्लीटली डिसअग्री. उसमें आई लगेगा ही लगेगा. ठीक है, उसमें अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें आप तो भी आई लगाकर एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने सीधा पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है. ठीक है, अगर उन्होंने यू का यूज नहीं किया है, वाई ओ यू वर्ड का यूज नहीं किया है, तो आप कुछ भी कर लो, आप इसमें अपना यू वाला ओपिनियन, आई वाला, वी वाला ओपिनियन नहीं डालेंगे. ये सीधी सी बात. ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछा है ना आपसे, यू कहा गया है व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है आप कौन सी साइड पे हैं, तभी हम आई, माय, आवर, ठीक है, दे, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं. अदरवाइज एन इंडिविजुअल, वन पर्सन, ऐसे वर्ड्स जो हैं आप यूज करके उससे काम चलाएंगे. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ओके चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट राइटिंग टास्क, दैट इज द एकेडमिक वन. देखो दिस इज द टास्क ऑफ टुडे. क्या कहा है, हमने पहले ग्राफ्स किए थे, फिर डायग्राम भी की, अभी हम जो है वो आज मैप्स करने वाले हैं. मैप्स में वी आर गोइंग टू कंपेयर टू मैप्स, दो मैप्स को हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द कैटेगरी. कैटेगरी क्या है? मैप्स. ठीक है, ये जो मैप्स हैं वो एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी द मैप्स दैट आर रिलेटिंग टू अ प्लेस दैट इज अ यूनिवर्सिटी कैंपस. कब कब के हैं ये? एक तो है 2010 का मैप और एक है प्रेजेंट डे, दैट मीन्स 2021. 10-11 सालों का बीच का डिफरेंस है इसमें. ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो दो मैप्स दिए हैं, हमें दो चीजें और एक्सप्लेन होती हैं कि आपके पास जो है वो 20 मिनट्स हैं. ठीक है, 150 वर्ड्स हैं, दो चीजें हमें पता हैं. अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. जब 2010 में कैंपस था तब वो ऐसा दिखता था, अभी 2021 में जो कैंपस है वो ऐसा दिखता है. दैट मीन्स जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम प्रेजेंट में डिस्क्राइब करेंगे. जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पास्ट की चीज को वाज लगा के करेंगे डिस्क्राइब, और जो प्रेजेंट की चीज है उसको इज लगा के करेंगे. सिंपल चीज है, इतना आपको क्लियर है. आगे चलो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन से. अगर हम स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट अकोमोडेशन जहां पर 2010 की हम बात करते हैं, दैट वॉज क्वाइट लेसर एज कंपेरेटिव टू 2021. इन 2021 एज डिस्क्राइब्ड इन द मैप, ये जो फिगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पहले एक बिल्डिंग थी मल्टी स्टोरी, अभी दो बिल्डिंग्स, एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स आ गई हैं. छतें देखिए दो है ना, दो बिल्डिंग्स बन गई. पहले क्या था,
टीचिंग ब्लॉक के नाम पर एक बिल्डिंग थी जिसमें आर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते थे, साइंस कोर्सेज भी करवाए जाते थे। अभी क्या हुआ, एक बिल्डिंग को तोड़ दिया, डैमोलिश कर दिया, उसकी जगह पर, इसकी जगह पर ये बन गई आर्ट्स बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जहां पर आर्ट्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। अभी एक नई बिल्डिंग बना दी गई है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर उन कोर्सेज के को पढ़ाया जाएगा जो कि साइंस से रिलेटेड है। अभी इस बिल्डिंग के जगह पे पहले यूनिवर्सिटी ऑफिसेज थे, अभी यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज जो हैं वो यहाँ पर हटा दिए, तोड़ दिए, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफिसेज आ गए यहाँ पर, यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बना दी, यहाँ पर भी स्टूडेंट अकोमोडेशन थी, यहाँ से उठा के स्टूडेंट अकोमोडेशन उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी, ये बिल्डिंग को हटा के यहाँ पर नई बिल्डिंग बना दी, एक जगह पे सारे बच्चे इकट्ठे कर दिए, ठीक है। उसके बाद लेक एरिया जो था, ठीक है, उसके आसपास बैठने की जगह थी, सीटिंग एरिया था, और अभी उन्होंने सीटिंग एरिया वहां से रिमूव कर दिया। अभी क्या हुआ, स्टूडेंट अकोमोडेशन एक यहाँ पर भी बना दी गई, दैट मीन्स 1, 2 और 3 बिल्डिंग्स स्टूडेंट्स के रहने के लिए बन गई। पहले अगर हम बात करें शॉप्स की, तो वहां पर, दैट मीन्स जहां पर हम बात करते थे, यहाँ पर एरिया था जहां पर बच्चे कुछ खरीद सकते थे, ये 2 शॉप्स थी, साथ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। अभी उन्होंने क्या किया, क्योंकि शॉप्स की जगह पर एक बच्चों का हॉस्टल बन गया है, उन्होंने एक बिल्डिंग बड़ी बना दी जिसमें एक तो ऑफिसेज ऐड कर दिए, एक रेस्टोरेंट्स और शॉप्स भी यहीं पर बना दी। दैट मीन्स एक तो जो लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनके ऑफिसेज हो गए यहाँ पे, साथ में ही एक रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ से उठाकर उन्होंने यहाँ पर डाल दिया उसको, और जो शॉप्स थी, 1-2 जो शॉप्स थी, ठीक है, यहाँ पर जो थी उनको भी इसी बिल्डिंग में जो था वो कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स वहां पर चेंज कर दिया, ठीक है। अभी वी आर गोइंग टू सी द रियल काइंड ऑफ एन सॉल्यूशन फॉर दिस। आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपको सॉल्यूशन के बाद टाइम देंगे, वहां पर आप पूछेंगे, बीच में आप में से कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। देखिए, द टू मैप शोज द डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कैंपस। ये जो है, ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहां की हम बात करते हैं। इस टास्क के बाद वी आर गोइंग टू सी द GT, दैट मीन्स जनरल ट्रेनिंग टास्क 1, ठीक है। पहले हम एकेडमिक का करेंगे, उसके बाद हम GT का करेंगे। GT के टास्क के बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं IELTS से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, आप तब पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले जो मिनट्स हैं तब आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इन टू मैप्स की, ठीक है, तो इन टू मैप्स में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। क्या चेंजेस आ गई हैं? इट कैन बी सीन फ्रॉम द मैप्स, मैप से हम ये दोनों चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे, दैट द कैंपस हैज बीन रिमूव, सॉरी, इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड। इम्प्रूव भी हो गई है फैसिलिटीज और बढ़ भी गया है कैंपस, बहुत सारी बिल्डिंग्स नई बन गई हैं, विद मच मोर स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज देन प्रीवियसली। बहुत ज्यादा अकोमोडेशन भी बढ़ गई है, पहले एक बिल्डिंग थी अभी 3 हो गई है, ठीक है, 2 थी, सॉरी। उसके बाद फर्स्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन बिल्डिंग्स हैज बीन इंक्रीज्ड इन नंबर एंड साइज, नंबर भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया बच्चों के हॉस्टल का। अ प्रीवियस अकोमोडेशन ब्लॉक साउथ ऑफ द लेक हैज बीन डिस्ट्रॉयड। लेक के साउथ में यहाँ पर, ठीक है, जो प्रीवियस अकोमोडेशन थी उसको तोड़ दिया गया, उसकी जगह पर क्या बन गए हैं, न्यू बिल्डिंग, उसमें शॉप्स और ऑफिसेज आ गए, इसको तोड़ दिया, ठीक है, क्या बन गया, शॉप्स और ऑफिसेज आ गए। इन एडिशन द टीचिंग फैसिलिटीज हैव बीन एक्सटेंडेड। टीचिंग फैसिलिटीज जो है वो भी बढ़ गई। अभी कैसे बढ़ गई, पहले आर्ट्स और साइंस को सिर्फ एक बिल्डिंग दी थी, अभी दोनों की अलग अलग बिल्डिंग्स हो गई हैं, आर्ट्स ब्लॉक भी अलग हो गया, साइंस ब्लॉक भी अलग हो गया। द प्रीवियस सिंगल टीचिंग ब्लॉक हैज बीन चेंज्ड इनटू ब्लॉक ओनली फॉर आर्ट सब्जेक्ट्स एंड देयर इज न्यू बिल्डिंग फॉर साइंस।
ठीक है, दोनों को अलग अलग बिल्डिंग्स मिल गई. दिस हैज बीन रिप्लेस द ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफिसेस. उसकी जगह पे एक यूनिवर्सिटी ऑफिसेस थे, ठीक है, उनको जो था वो उठा के हम यहाँ ले आए. उसके बाद द लॉन एंड आउटसाइड सीटिंग एरिया विच फॉर नेक्स्ट टू द लेक हैज बीन रिमूव्ड. ये ग्रीन कलर का जो लॉन एरिया था, लोगों के बैठने का एरिया जो था, उसको हटा दिया गया. सिर्फ लेक जो थी वो एज इट इज है जहां पर पहले थी. लेक हाउएवर हैज रिमेन्ड एंड इज स्टिल द सेंटर पॉइंट ऑफ द कैंपस. पहले भी बीच में थी, अभी भी बीच में है, हर एक जगह के राइट सेंटर है इस कैंपस का. ओवरऑल द चेंजेस रिगार्डिंग द फैसिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी कैंपस आर कमेंडेबल. जो चेंजेस हुई वो कमेंडेबल थी, बहुत अच्छी थी, एज इलेबोरेटेड इन द मैप्स, जैसे कि हमें मैप्स में दिखाई देती है. दिस इज योर डिस्क्रिप्शन. Any kind of a questions from your sides? Yes, ma'am. बोलो जशन. मैम जैसे है ना हम वीडियो बनाते हैं ऐसे बनता है ना, अगर हम ऐसे बनाते कि 2010 का है जो अलग वीडियो बना दे, और अगर नाउ का है वो अलग फिर भी हो जाएगा, या ऐसे ही बनाना है जैसे आपने बनाया है? ओके जशन, देखिए ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है. पहली बात तो अगर आपको कंपेयर लिखा है ऊपर, ठीक है, मेक कंपैरिजन लिखा है ना, दैट मींस इट इज एडवाइजेबल कि आप साथ साथ में बनाएं दोनों का, ठीक है. दैट मींस पहले यहाँ ये था अब ये हो गया. अगर आपको सिर्फ लिखा है सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, ठीक है, तब आप अलग अलग भी बना सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपसे पूछा क्या गया. ओके ओके. अगर मैम इनमें हम जैसे साउथ यूज किया है ना, मैम अगर उन्होंने हमें दी है तो ये यूज करना है कि हमें ऐसे भी साउथ? और बिल्कुल कर सकते हैं आप, डायरेक्शंस यूज कर सकते हैं. ओके डायरेक्शंस आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हाँ जी बोलिए, नेक्स्ट बोलिए. ओके किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, हम आगे चलें. हम कमेंडेबल मींस, कमेंडेबल मतलब बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल की, दैट इज कमेंडेबल. ओके मैम. मैम अगर हमें लोकेशन दी है हमें तभी यूज करना है साउथ वेस्ट में, या हम ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी मैप में? अच्छा जशनप्रीत, पहले आपकी बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत ज्यादा है, घर पे सभी को कहिए कि आपकी क्लास लग रही है, ठीक है. दूसरी चीज, जब आपके पास नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नहीं दिया है तब भी आप अपनी तरफ से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल डायरेक्शंस हैं और आप कोई भी इसका यूज कर सकते हैं. ओके ओके मैम, थैंक यू. वेलकम जी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जीटी, जनरल ट्रेनिंग वालों का हम टास्क वन करने वाले हैं. इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब और वी आर गोइंग टू कंसिडर दोज क्वेश्चंस, ठीक है. देखो, यू हैव ईटन एट अ रेस्टोरेंट, आपने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया एंड इट वॉज सच अ टेरेबल एक्सपीरियंस, बहुत ही बुरा खाना था, ठीक है. उसके बाद आपको करना क्या है, यू हैव डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द मैनेजर, आप उस मैनेजर को लिखने वाले हैं लेटर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एंड दैट यू वांट योर मनी बैक, और आपको अपने पैसे वापस चाहिए, ठीक है. पहला फैक्ट्स क्या है, यू नीड टू कंसाइज बट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, आपको कंसाइज होना है, दैट मीन्स आपको बहुत डिटेल नहीं देनी है लेकिन आपको बताना है कि हुआ क्या. पोलाइट रहना है, लड़ाई नहीं करनी लेटर में उसके साथ. नो वन रिस्पॉन्ड्स टू इंसल्ट्स, बिकॉज अगर आपको लेटर को लेटर लिख रहे हैं तो आपको बंदा जो है वो क्यों पैसे वापस करेगा, राइट. आउटलाइन व्हाट यू विश फ्रॉम दिस, व्हाट डू यू वांट टू हैपन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या जो है वो दूसरा बंदा करे आपके लेटर पढ़ने के बाद. फर्मनेस होनी चाहिए आपकी राइटिंग में ताकि आपको वो सीरियसली लें. 150 वर्ड्स हैं, 20 मिनट्स हैं. अभी ऐसी जो लेटर है
सीधी सी बात है, आप उसके मैनेजर को नहीं जानते हैं रेस्टोरेंट के, तो जब हम ऐसी पब्लिकली लोगों को जो कोई भी लेटर लिखते हैं वो एक फॉर्मल लेटर होती है. तीन तरीके की लेटर है, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. द फर्स्ट वन इज द पर्सनल लेटर. ठीक है, पर्सनल लेटर में क्या होता है, द पर्सनल लेटर इज फॉर द पीपल हु आर वेरी नियर टू यू एंड हु आर वेरी डियर टू यू. ठीक है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो लोग आते हैं आपकी पर्सनल लेटर में. सेमी फॉर्मल में आते हैं वो लोग जो आप जिनको जानते तो हैं लेकिन आप उनके बहुत करीबी नहीं हैं. ठीक है, फॉर्मल लेटर में आते हैं वो लोग जिनको आप नहीं जानते हैं लेकिन दोज पीपल आर हैविंग मच मोर अथॉरिटी देन यू. वो लोग जो कि आपसे ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, आपसे बड़ी पोजीशन रखते हैं. अभी क्या है, आप एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को लिखने वाले हैं लेटर. अभी आप उसको पर्सनली जानते नहीं है, नहीं तो आप वैसे ही फोन करके बता देते कि आपके यहाँ पर जो खाना था जी वो बहुत ही वाहियात था, मतलब बहुत ही बेकार था. ठीक है, और मुझे पैसे जो है वो अपने वापस चाहिए. अभी आप लेटर लिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल लेटर. ठीक है, देखिए, टू द मैनेजर, डियर सर भी लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू. I would like to express my regret of at having dined at your established restaurant last night. कहता है कि मैं, मुझे ये पछतावा हो रहा है कि मैं डिनर क्यों करने गया आपके established, that means आपके restaurant में last night. Please allow me to explain. मुझे मेरी जो पछतावा है उसको explain करने का मौका दीजिए. The table was booked 2 months in advance. 2 महीने पहले से टेबल बुक था. सिंस इट वॉज टू केटर अ मेजर प्रोफेशनल इवेंट, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल इवेंट के लिए जो था वो बुक किया गया था. एंड येट वी वर इन्फॉर्म्ड बाय योर स्पेस ऑर्गेनाइजर अपॉन अराइवल दैट देयर वर नो टेबल्स सफिशेंटली लार्ज. ये एक प्रोफेशनल इवेंट था तो जगह है, टेबल जो है वो बड़े चाहिए थे. आपके वहां पर पहुंचने पर मुझे इन्फॉर्म किया गया कि हमारे पास तो इतने बड़े टेबल ही नहीं है. वी वुड हैव टू डाइन सेपरेटली, हमें जो है वो अलग अलग खाना खाना पड़ा, जितने भी लोग जो थे वो इकट्ठे गए थे. देखिए, जब हम प्रोफेशनल डिनर्स की बात करते हैं तो एक डिनर टेबल पे बैठकर ही सारी डिस्कशंस होती हैं. अभी जब लोगों को अलग अलग टेबल्स पे बिठा दिया जाए तो वो डिस्कशंस कैसे होंगी, राइट? I did press this point with your staff as it was imperative that my party remain in each other's company, but we were told that it was simply impossible to seat us all together. उस क्या कहा गया कि आपने कहना है कि मैंने कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं कि इकट्ठे बैठ के जो है वो खाना खाना जरूरी है. आपकी जो कंपनी है, आपके जो रेस्टोरेंट के लोग थे, स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे तो यहाँ पर स्पेस नहीं है जी, पॉसिबल ही नहीं. इन एडिशन टू दिस, सेवरल मेन्यू आइटम्स वर अनअवेलेबल ऑन द नाइट. मेन्यू पे चीजें थी लेकिन अवेलेबल नहीं थी, इंक्लूडिंग एवरी वेजिटेरियन ऑप्शन, मीनिंग दैट 3 members ऑफ माई पार्टी वर लेफ्ट टू ईट ओनली ब्रेड थ्रू आउट द मील. कहते हैं कि स्पेशली वेजिटेरियन ऑप्शंस जो थी उसमें इतनी प्रॉब्लम आई कि मेरे जो वेजिटेरियन मेंबर्स थे डिनर के वो सिर्फ रोटी खाकर चले गए, मतलब साथ में कुछ है ही नहीं था. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स आई हैड इंटेंडेड नॉट टू पे. मैंने सोचा कि मैं पैसे दूंगा ही नहीं, बट योर स्टाफ इन्फॉर्म्ड अस दैट दे वुड कॉल द पुलिस इफ वी रिफ्यूज्ड. उन्होंने मुझे कहा कि हम पुलिस बुला लेंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे. सो टू अवॉइड फर्दर एम्बेरसमेंट आई कंप्लेंड. और ज्यादा एम्बेरसमेंट से बचने के लिए कि वो पुलिस भी बुला लें, मुझे जो थे वो पैसे देने पड़े. दिस एक्सपीरियंस वॉज इंटायरली अनएक्सेप्टेबल. ये चीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ फुल रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड. मैं जितने भी पैसे पे कर चुका हूँ मुझे वो वापस चाहिए. I would also suggest your staff not promise customer degrees of service that you are unable to provide. एक और चीज जो आपके स्टाफ को ये पता होनी चाहिए, सजेस्ट करता हूँ मैं, कि
फाल्स प्रोमिसेस मत कीजिए, क्योंकि दो महीने पहले जो बुकिंग हुई थी उनको ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि उनके पास ऐसी जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है, टेबल्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, जगह नहीं है और मेन्यू भी नहीं है जो सर्व कर सके, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस सच एज दिस, ताकि जो लोग बुकिंग करने के बाद डिसअपॉइंट होके जाते हैं वैसी प्रॉब्लम्स आगे ना आए. रिगार्ड्स पॉल हॉलीवुड, आपका नाम. दिस इज हाउ यू शुड एक्सप्लेन योर लेटर. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड्स एनीवन?